जी उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। इतनी बड़ी हस्ती है हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया उनको मानती थी आपको, और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर इंडस्ट्री में, नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई और ये सब आप जानते ही हैं। और हमारी, मेरे लिए खुशी बात ये है कि मेरी खुशनसी भी कि मैं उनके साथ टूर किया, बैठा हूँ बंगले पे, कई बार आना जाना हुआ, बहुत प्यार करते थे, मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारे जिले में कुछ काफ़ी उन्होंने काम किया उनके साथ, संघर्ष फिल्म में काफ़ी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें, इतने बड़े होकर के भी हमको भी महसूस करने के कि हम छोटे कलाकार हैं, हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे। यहाँ बंगले में बैठ कर सायर जी को बोलते, हो मैडम सुनो यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं, कोई फोन नहीं कुछ नहीं, ओके हाँ वो डिस्टर्ब नहीं करना, इसी मोहब्बत इतना प्यार जो है। क्या उनके लिए क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप। और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे, चैरिटी शो बहुत करते थे, कल्याण जी आनंद नाइट हम करते थे, उसमें चैरिटी फंक्शन जाता था, वहाँ हर पंचायत में मोस्टली ये होते थे। तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे, रिंग में खड़े होते थे, अब ये क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में क्या बोलेंगे, हर टॉपिक पे हर बात पे वो तैयारी करके आते थे। डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे, अभी डॉक्टर भी होते हैं हमसे ज़्यादा, ये डॉक्टर बने जो एक्टर कैसे बन गए, तो इंजीनियर से उनके लिए, बिल्डर के कुछ है बिल्डरों के, तो बिल्डरों के बारे में बोल जाएंगे, क्योंकि बहुत वो वाकई इंस्टीट्यूशन थे। कोई गाना आपको याद है जिसने आपको उनकी बहुत सारी बातें हैं, वीडियोज में भी आप देखेंगे। एनीवे थैंक यू।